चैरिटेबल, उसी सच्चाई से। अगर आज मैं तुम्हें एक तोहफा और देना चाहूं और अगर तुम्हें वो सही लगे तो क्या उसे पहनोगे? हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से। हेलो माय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आई एम चंद्रगाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल फिल्मी राइडर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में, नई जगह पर और अच्छे से नई फिल्म की लोकेशन के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले में दोस्तों मैंने आपको काफ़ी फिल्मों की लोकेशन दिखाई है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं सन 2006 में आई फिल्म विवाह की शूटिंग लोकेशन। विवाह मूवी के अंदर में एक गाना आता है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो इस गाने के अंदर में दोस्तों जहाँ से गाना स्टार्ट होता है वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो जो जगह है नैनीताल जिले से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री जागेश्वर जी का मंदिर। ये महादेव जी का मंदिर है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। प्राचीन काल से ही यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 250 के यहाँ पे मंदिर है जो कि शिव जी के ही हैं और आज वर्तमान में 150 के लगभग बताए जाते हैं। तो दोस्तों मंदिर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो नैनीताल से श्री जागेश्वर जी के मंदिर का रास्ता है ये घाटियों से भरा हुआ होने वाला है और अल्मोड़ा जिला जो है वो भी रास्ते में ही आएगा। तो अल्मोड़ा जिले के भी सीन हम आपको दिखाने वाले हैं, काफी खूबसूरत नजारे। वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है तो बिना देरी के वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। अभी मैं जिस मोड़ पे खड़ा हूँ ये पिथौरागढ़ का मोड़ है और यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए रोड निकल जाती है और ये ही कट है जहाँ से श्री जागेश्वर मंदिर जी के लिए रास्ता निकलता है। तो ये देख सकते हैं इस कट से होते हुए अभी हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको मंदिर में फिल्माए गए सीन और मंदिर का नज़ारा भी दिखाएंगे। और ये जो रोड है पिथौरागढ़ के लिए निकल जाती है, तो चलिए चलते हैं इस कट से दोस्तों अभी हम जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए वादियों का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो कट है श्री जागेश्वर जी टेंपल का, उसी के सामने ये देख सकते हैं नज़ारा दिख रहा है पहाड़ियों का जो कि बेहद ही खूबसूरत है। तो अभी आप देख सकते हैं हम मंदिर में आ चुके हैं, मंदिर के बाहर ही हैं और ये ही जागेश्वर टेंपल है। ठीक है, भगवान जागेश्वर जी का ये मंदिर है, भगवान शिव जी का, और पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर जागेश्वर मंदिर समूह है। तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे और बड़े मंदिर हैं। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर और देख सकते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा। मंदिर के अंदर में ये मुख्य मंदिर है, प्राचीनतम एवं मुख्य मंदिर श्री महामृत्युंजय मंदिर। तो भगवान शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग जी है, भगवान शिव जी का ये मंदिर है और ये एक मुख्य मंदिर है और बाकी यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। और जो सेकंड मंदिर है जो कि जागेश्वर जी का मुख्य मंदिर है सेकंड नंबर का, तो वो ये वाला मंदिर है जो आप देख सकते हैं, ये वाला मंदिर है। मंदिर के अंदर जो है ना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बोर्ड लगा हुआ है तो अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे लेकिन बाहर से ही आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है बोर्ड पे ही, प्रसाद है उनकी स्टॉल यहीं पर ही लगाई जाती है फिल्म के अंदर में। तो अभी मैं आपको सारे सीन जो है ना फिल्म के और गाने के वो मैच करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। फिल्म के इस सीन में आप देख सकते हैं इस कुंड का सीन दिखाई देता है ऊपर से, आप ये देख सकते हैं कुंड, इस कुंड का सीन बेसिकली ऊपर से दिखाई देता है और कुछ यूनिक तरीके से दिखता है देखिए। तो वो भी हम आपको मैच करवाएंगे। और इस सीन के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली में मार्केट लगा हुआ होता है जो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर में, इस जगह पर मार्केट लगा हुआ होता है जहाँ पर प्रेम और पूनम उनके भैया भाभी यहाँ से सामान खरीदते हैं, यानी कि मंदिर का प्रसाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह का सीन है वो,
और इस सीन के अंदर में प्रेम और पूनम बात करते रहते हैं अपने भैया भाभी के लिए, कि भैया जो है भाभी को काफ़ी समय बाद इतना समय दे पा रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, और वो सीन यहाँ से लिया जाता है। तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर में, इस जगह से दिखाया गया है मैच करके। देखिए ये पिलर जो है ना मंदिर का, ये आप देख सकते हैं इसका सीन दिखाई देता है, इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। अभी मैंने आपको मंदिर के अंदर के जो दो सीन है वो मैंने आपको दिखाए हैं, और जो तीसरा सीन है मंदिर से बाहर का लिया गया है, जिसमें अंदर प्रेम और पूनम चलते हुए जाते हैं मंदिर की ओर, तो वो सीन दिखाया जाता है। तो वो सीन भी मैं आपको मैच करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर जो मंदिर के सीन और लिए गए हैं वो भी मैं आपको प्रॉपरली स्टोरी के साथ में मैच करवा देता हूँ। मंदिर का एक सीन यहाँ से ही कैप्चर किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर में। बेसिकली मंदिर की ये जो छतरी है ये दिखाई देती है, और पीछे की साइड में जो आप देख सकते हैं गुम्मत, ये भी दिखाई देती है, देख सकते हैं यहीं से लिया गया है बाहर का सीन। और फिर यहीं से ही क्या है, टहलते टहलते जो है ना प्रेम और पूनम जो है वो अंदर चले जाते हैं, और नेक्स्ट सीन फिर मैं आपको मैच करवा देता हूँ मंदिर के अंदर से। इस सीन में आप देख सकते हैं मंदिर का सीन दिखाई देता है, और सामने आप देख सकते हैं अमृता राव भी यहीं पे नज़र आती हैं। और इस सीन के अंदर में बेसिकली वो जो अमृता राव को फिल्म के अंदर में जो नेकलेस देते हैं बेसिकली वो पहन के नहीं आती है, तो उसका वो रीज़न बताती हैं कि हमारे जो गांव है मधुपुर वहाँ पर ऐसे महंगे तोहफों को पहनने से मुझे थोड़ी सी असहजता फील होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो बताती हैं। तो यही सीन आता है, और इसके बाद में एक सीन और दिखाई देता है फिल्म के। इस सीन में आप देख सकते हैं इन पत्थरों का सीन दिखाई देता है, और बेसिकली जो डिज़ाइन है पीछे जो मंदिर है उसका भी सीन नज़र आता है। और इस जगह पर है ना शाहिद कपूर और अमृता राव जी खड़ी रहती हैं, और पीछे उनके भैया भाभी होते हैं जिन्हें आप स्क्रीन शॉट में मैच करके देख सकते हैं। देख लीजिए इसी जगह का सीन दिखाई देता है, और फिर इसके बाद में जो है माला का सीन आता है, यानी कि शाहिद कपूर अमृता राव से अकेले में मिलते हैं, तो वो सीन भी हम आपको मैच करवा देते हैं। फिल्म के इस सीन में आप देख सकते हैं इस जगह पर जो है ना शाहिद कपूर जी खड़े रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह पे जो है शाहिद कपूर जी खड़े रहते हैं, और यहाँ इस जगह से अमृता राव आती है शाहिद कपूर जी से मिलने के लिए, तो इसी जगह का सीन दिखाई देता है। और यहीं पे जो है ना प्रेम यानी कि शाहिद कपूर यहीं खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं अमृता राव का, और फिर उन्हें कहते हैं कि आज जो तुमने अपने दिल में था वो कह दिया, यानी कि सच सच जो है कह दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो सीन यहीं से ही शूट किया गया था आप देख सकते हैं, और इस जगह से ही फिर गाना स्टार्ट हो जाता है फिल्म के अंदर में, मिलन अभी आधा अधूरा है, जिसके कुछ शब्द कहे जाते हैं, तो वो वर्ड्स भी आपने सुने होंगे गाने के अंदर, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। और इसी जगह पे शाहिद कपूर माला लेके खड़े रहते हैं, आप मैच कर सकते हैं, जिसमें सामने जो है मंदिर उसका सीन दिखाई देता है, तो देख सकते हैं। और गाने का नेक्स्ट सीन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शाहिद कपूर माला लेके खड़े रहते हैं, और अमृता राव जी भी यहीं रहती है। तो इस सीन के अंदर में आप क्या क्या मैच करेंगे, जो मंदिर है बेसिकली इसका सीन नज़र आता है, तो इसे आप मैच कर सकते हैं, सामने वाले इस मंदिर का सीन भी आप मैच कर सकते हैं स्क्रीन शॉट के अंदर में, देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है इसे मैच कर सकते हैं, और एक ये जो पत्थरों के जो कट्स हैं ना इन्हें भी आप उसी प्रकार से मैच करके देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में। बेसिकली यहीं का सीन दिखाया गया है फिल्म के अंदर में, और गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा गाना है, यदि आपने सुना होगा मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो मैंने आपको नज़दीक से जो शॉट लिया गया था वो भी मैंने आपको अभी दिखाया है, और जो बैक से लिया गया था थोड़ा पीछे से वो भी मैंने आपको मैच करवा दिया है। अब जिस सीन में माला पहनाते हैं एग्जैक्टली वो सीन मैं आपको मैच करवाने वाला हूँ। इस सीन में आप देख सकते हैं जो मुख्य मंदिर है मंदिर परिसर के अंदर में, आप देख सकते हैं जो जागेश्वर जी का मंदिर है वो पीछे दिखाई देता है, यानी कि जो टीन शेड होती है ना मंदिर के ऊपर में वो दिखाई देती है, और ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पे ये भी दिखाई देता है, और एक मंदिर ये दिखाई देता है जिसमें ये ऑरेंज ऑरेंज जो भगवा कलर है वो मंदिर के ऊपर होता है, तो वो भी दिखाई देता है। और पीछे एक ये जो छतरी है बेसिकली पूरे मंदिर के अंदर में जो छतरी है इसकी डिज़ाइन बड़ी ही अलग है, तो ये भी डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो स्क्रीन शॉट में आप प्रॉपर अच्छे तरीके से मैच कर लीजिएगा, मैंने आपको जो फिल्म के जितने भी सीन थे वो अच्छे तरीके से मैच करवा दिए हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म की लोकेशन की वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। मंदिर भी आपने देखा, काफी ज्यादा प्रसिद्ध और काफी ज्यादा अच्छा मंदिर है और काफी खूबसूरती से भरा हुआ देख सकते हैं आप। वादियों से भरा हुआ जो नज़ारा है वो आपको देखने को मिला है। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नई किसी लोकेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय महाकाल, जय बजरंगबली।